यो तो कैसे हो सब लोग। तो आप लोगों को पता हो कि हम लोग कर रहे हैं M2 400 में यहाँ पर से इंडिया के लिए पुशिंग। और गाइस फाइनली हम लोगों को यहाँ पर से इंडिया का टाइटल मिल चुका है, बट हमारा पुशिंग यहाँ पर इंड नहीं होने वाला क्योंकि हम लोग को इंडिया टॉप 1 पुशिंग करना है। और हम लोग से अगर टॉप 1 नहीं भी हो पाएगा तो हम लोग बहुत ट्राई करेंगे, जितना भी हो सकता है हम लोग से उतना प्लस करने वाले हैं। तो वीडियो को इंड तक काफ़ी ज़्यादा वॉच करना, आपको हम पूरा पुशिंग दिखाएंगे। बाकी गाइस हम लोग अभी ग्रैंड मास्टर भी नहीं लगाया, तो हम लोग को ग्रैंड मास्टर भी बहुत जल्दी लगाना होगा। बाकी गाइस आप लोगों का बस यही काम है कि आप लोगों को सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि भाई इतना मेहनत करने के बाद ऊपर से फेयर प्लेयर है तब भी सपोर्ट नहीं मिलता। बाकी जो बंदे गिली चूज करते हैं उनको सपोर्ट करते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो इस वाले गेम में यहाँ पास होता है क्या, 5 किल मेयर रहता है और सामने वाले बंदे को यहाँ पास आयरिस यूज करके काफी और डैमेज देते हैं। स्किल ब्लॉक करते हैं बंदे यहाँ पास काफी और डैमेज देते हैं। हमको लगा यहाँ पास मर जाएंगे, बट सही टाइम पे बंदे को हम लोग मार के फिनिश कर देते हैं और 6 किल के साथ ही वाला गेम लोग कर लेते हैं इजिली तरीके से बोया। अब चलो फिर देख लेते गेम के अंदर से हम लोग कितना प्लस मिलेगा। तो हम लोग गेम के अंदर से मिलता है 26 का प्लस, जो M2 400 होती है उसमें यहाँ पास 100 का प्लस मिल जाता है। तो अब लोग यहाँ पास चलते हैं नेक्स्ट गेम में। भाई साहब ये वाला गेम में देखो होता क्या है, ऊपर की साइड 2 बंदे अलाइव रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर से 2 किल ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ऊपर से एक बंदा नीचे उतरेगा और भाई फाइट वाइट होगा तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपने को। और यहाँ देखो सैंटोनियो एक तो नीचे आ चुका है और बंदा भी काफ़ी जल्दी नीचे आ ही जाएगा। और मेरे को डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर से सीढ़ियों से यहाँ पर से बंदा ना आ जाए, बट सीढ़ी पर यहाँ पर से लैंडमाइन लगाया जो कि अभी तक है और जैसे ही फूटेगा तो समझ में आ जाएगी कि बंदा होगा। तो बस यहाँ पर देखो होता है क्या है, ये दोनों बंदे आपस में ही भिड़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट करो। और ऊपर से भाई जोन भी आ रहा है तो जोन का भी डर होगा, तो सबसे पहले अपना वाल तोड़ लेते हैं यहाँ पर से। तो वाल जल्दी जल्दी यहाँ पर से तोड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर से देखो होगा क्या, ये दोनों बंदे यहाँ पर से आपस में आ जाते हैं जिसमें से एक बंदे को हम लोग काफ़ी डैमेज देते हैं, ये बंदा यहाँ पर से मर जाता है। और हम दूसरे बंदे को ढूंढ रहे कि दूसरा बंदा किधर चला गया, जैसे ही यहाँ पर आते ये दूसरा बंदा वापस आता है और इस वाले बंदे को भी हम लोग मार के फिनिश कर देते हैं अपनी M10 से। और गेम कर लेते हम लोग यहाँ पर से काफ़ी ओपी अंदाज में बोया। बट अफसोस की ये बात है कि हम लोग इस वाले गेम के अंदर से M2 400 तो मिल गए थे, बट यहाँ पर से प्लस सिर्फ 1 का मिला और जो अपना रैंक पॉइंट होता है उसमें यहाँ पर से 24 का प्लस मिलता है, 2 का वो स्ट्रिक हो जाता है। हम लोग को लास्ट वाले गेम में M2 400 में प्लस इसलिए नहीं मिला था क्योंकि भाई वहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा सर्वाइविंग वाला गेम था और भाई घर के अंदर बंदे छुपे हुए थे, बस इसीलिए हम लोग को प्लस नहीं मिला। और जितने बंदे थे एकदम शॉर्ट रेंज में थे तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते थे। बाकी इस वाले गेम में एक बंदे को हम लोग यहाँ पर से नॉक कर देते हैं M2 400X से और यहाँ पर से काफ़ी और डैमेज देता और बंदे को यहाँ पर से भाई ऑलमोस्ट फिनिश कर ही देते, बट भाई अफसोस की बात ये बंदा यहाँ पर से रिवाइव हो जाता है। भाई यही सब प्रॉब्लम्स के चक्कर में ना बहुत गुस्सा बढ़ता है, बट यहाँ पर से बंदे को यहाँ पर से ट्रोगन से मार के फिनिश कर दिए। और यहाँ पर से सामने की साइड से एक और बंदा यहाँ पर से जारेस को भाई काफ़ी और डैमेज पड़ा है, तो यहाँ पर से बहुत ही जल्दी आयरिस यूज़ करने वाला, बस थोड़ा सा वेट करो क्योंकि आयरिस अभी तक आया नहीं, वरना हम आयरिस यूज़ करके कब का बंदे को मार देते हैं। और यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे को डैमेज पड़ गया और यहाँ पर से FGL वाली गन जो होते हैं वो भी फेंक रहे, बंदे को यहाँ पर से फाइनली डाउन कर दिया FGL से। और ये बंदे यहाँ पर से रिया बोड़ा और बंदे को यहाँ पर से फिनिश कर देते, गेम कर लेते हम लोग यहाँ पर से 6 किल के साथ बोया। अब चलो फिर देखते हैं इस वाले गेम के अंदर से कितना प्लस मिलता है। तो जो रैंक पॉइंट होता है वो हम लोग को मिलता है 27 का और M2 400 में यहाँ पर से 100 का प्लस मिल चुका है फाइनली भाई इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर से भाई नीचे की साइड बंदा अलाइव रहता, तो एक जो नेट होता है उसको हम फेंक देते बंदे के ऊपर और ये जो नेट होता है एकदम परफेक्ट पड़ता है, बट बंदे को यहाँ पर से डैमेज नहीं पाता क्योंकि बंदा यहाँ पर से आई की ओर निकल जाता, बट यहाँ पर से बंदे को काफ़ी डैमेज देकर बंदे को मार देते हैं। और यहाँ पर से आखिरी वाला बंदा अलाइव है जिसको हम लोग यहाँ पर से मार के लेने वाले बोया। और भाई मेरा किल देख सकते हो भाई 12 किल किए थे इस वाले गेम के अंदर से और भाई काफ़ी हार्ड लो भी आई थी, बट भाई जैसे तैसे करके 12 किल हम लोग निकाल लिए। और अब चलो फिर बंदे को ढूंढते हैं बंदा किस साइड है। मेरे पास यहाँ पर से बाइजन है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, बट अगर सामने वाले बंदे की वजह से आपसे M10 निकलेगी तो फिर यहाँ पर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले मेरा प्लान क्या था कि जो यहाँ पर से जहाँ पर जोन होगा तो उधर ही चले जाते हैं क्योंकि भाई बंदे को तो मिला जुला के उधर ही आना पड़ेगा। तो एकदम सही तरीके से ऊपर देखते हैं और जहाँ पर एरो रहता है वहाँ पर जाते हैं रेंजर वाला। तो यहाँ पर से हम लोग आगे एकदम गुलवा लगाते हैं, सामने की साइड बंदा रहता है उसको यहाँ पर से काफ़ी डैमेज देते हैं और ये बंदा इजिली मर जाता है। हमको लगे भाई काफ़ी ज़्यादा मसला होगा, बट नहीं भाई मसला क्रिएट नहीं हुआ और यहाँ पर से हम लोग 13 किल के साथ वाला गेम कर लेते हैं बोया। और 29 का प्लस मिलता है इस वाले गेम के अंदर से और भाई M2 में यहाँ पर 100 का प्लस मिलता है, बाइजन में भी 100 का प्लस मिलता है। अब इस वाले गेम में भाई देखो यहाँ पर से क्या होता है, भाई सामने यहाँ पर से वो फेंकना चाह रहे थे FGL, बट भाई FGL मेरे पे पड़ गया था। उसके बाद दोनों बंदों को यहाँ पर से डैमेज पड़ा, एक बंदे को 16 का पड़ा और एक बंदे को 18 का डैमेज पड़ा था। उसके बाद हम वापस यहाँ पर से FGL फेंकते और भाई बंदे को डैमेज नहीं पड़ता, मेरा FGL पूरा वेस्ट हो चुका है। इस वाले बंदे को यहाँ पर से आयरिस यूज करके भाई जल्दी से मार के फिनिश कर देते हैं और यहाँ पर से 6 किल ऑलरेडी हो चुका है। सामने की साइड एक और बंदा है, इसको हम लोग यहाँ पर से M10 से मारेंगे। भाई यहाँ पर 2 से 3 गोली बंदे को एकदम ऑलमोस्ट लग चुका और ये बंदे यहाँ पर से आयरिस ऑन किया हमको मारने के, बट भाई यहाँ पर से बंदे का गोली चूक जाता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से सर्वाइव कर लेते 2 सेकंड और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर काफी और डैमेज देने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये बंदा घूम के आता है और ये बंदा वापस यहीं पे मेरे मुंह पे आता है, बंदे को वापस एक शॉट पड़ता है और एकदम जल्दी जल्दी यहाँ पर बंदा भाग रहा है। बट यहाँ पर M10 लेके तुम्हारा भाई भी इस बंदे के पीछे पड़ा, भाई फाइनली बंदे को नॉक ले लिए और नॉक लेने के बाद बंदे को हम लोग जल्दी से फिनिश कर लेते हैं हेडशॉट से और गेम कर लेते हम लोग यहाँ पर बोया। भाई काफ़ी मजा आया था, लास्ट फाइट लेने का कोई टक्कर का बंदा था और ये ऊपर से हम लोग का डेली मिशन था, तो 50 का प्लस मिला इस वाले गेम के अंदर से। और M2 400 में भी यहाँ पर 100 का प्लस मिल चुका है। तो भाई यहाँ पर हम लोग भाई
काफी ज्यादा फायदा हुआ इस वाले गेम के अंदर से। और यहाँ पर देखो मैं यहाँ से दो खेल ऑलरेडी कर चुके हैं और तीन बंदे इलावा जिनको हम लोग यहाँ से मारने वाले हैं। तो सामने की साइड जो बंदा है उसको हम लोग जल्दी से मार के फिनिश कर देते हैं। अब दो बंदे इलावा रहते हैं, उसमें से एक जो बंदा है तो वो ऊपर की साइड रहता है, तो भाई इस वाले बंदे को हम लोग नहीं मार पाएंगे क्योंकि भाई अभी देख सकते हो ये बंदा ऊपर की साइड है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको मारने के लिए। तो हम लोग गाड़ी लेके यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दे, तब तक मैं यहाँ से जो एक बंदा है वो दूसरे बंदे को मार दिया था और यहाँ पर से जो ऊपर वाला बंदा वही ऊपर ही यहाँ पर से कैंपिंग कर रहा था। अब जैसे वो बंदा नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पर से एमटेल लेके रेस्ट कर देंगे। भाई साहब वो बंदा यहाँ पर से मेरा गाड़ी का भी एचपी काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया, ऊपर से भाई एक दो गोली तो हमको भी पड़ा है, तो जल्दी से रिपेयर किट भी मार लेते उस समय। अब इस वाले बंदे को देखो यहाँ पर से हम लोग जल्दी से उड़ाने का ट्राई करते हैं लेकिन मिस हो जाता है और यहाँ पर से बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं और ये बंदा यहाँ पर से डाउन हो जाता है और डाउन होने के बाद बंदे का स्किल ब्लॉक करके बंदे को फिनिश कर देते हैं। आई डोंट नो भाई स्किल की उसका ब्लॉक किया, बट भाई चलो कोई बात नहीं, लास्ट में क्या ही करेंगे भाई, वेस्ट कर दे बंदे के ऊपर। तो ये वाला गेम से हम लोग को मिलता है 25 का प्लस और जो M24 है ना तो यहाँ पर से 100 का प्लस मिलता है और हम लोग का फाइनली 20,000 स्कोर कंप्लीट हो चुका है। अब चलो फिर आते हैं इस वाले गेम के अंदर और इस वाले गेम में देखो यहाँ पर से दो बंदे इलाइव रहते हैं, 5 किल ऑलरेडी कर चुके हैं और उनको नीचे जाने में काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि बंदे भाई कहीं पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चाहते हो देखते दोनों बंदे नीचे रहते हैं, तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग प्यार से कूद जाते हैं और जैसे कूदते तो यहाँ पर से जल्दी से नेट जो होता है भाई नेट पूरा फेंकिंग बंदों के ऊपर, तो नेट फेंकना यहाँ पर से स्टार्ट करते उतने में जो एक बंदा रहता है वो भाग जाता है, उसको हम देख लेते हैं उजला कलर का पहना हुआ है। तो ये बंदा जैसे ही जा रहा था भाई आखिरी में बंदे को काफ़ी डैमेज देने के बाद मार देते हैं बंदे को। अब यहाँ पर से आखिरी वाला जो बंदा रहता है वो भाई काफ़ी चालाक रहता है, आप लोग देख सकते हो सामने की साइड ये बंदा है, उसको मैं लोकेशन पता था। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखो नेट कुक करते हैं ठीक है, और नेट कुक करके हम सीधा बंदे पे रश करते हैं, बंदा हमको मारने के लिए निकलता है और नेट से फूट जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, बंदे को डैमेज देने का ट्राई करते हैं लेकिन बंदा छुप जाता है। तो यहाँ पर से आयरिस है अपने पे, तो एकदम सही टाइम पे आयरिस यूज करने से पहले यहाँ पर से FGL फेंक देता हूँ, बंदे को FGL से ही मार के फिनिश कर देते हैं। 7 किल कर लेते हैं हम लोग इस वाले गेम के अंदर से, भाई काफ़ी अच्छा दिमाग लगा देते हैं और 28 का प्लस मिलता है इस वाले गेम के अंदर से। और जो M24 है तो इसमें यहाँ पर से 80 का प्लस मिल जाता है, दो का वो स्ट्रिक भी हो जाता है। अब देखो इस वाले गेम में होता है क्या है, 6 किल ऑलरेडी कर चुके हैं और दो बंदे अभी भी अलाइव हैं और जो यहाँ पर से गाड़ी लेके घूमते हैं क्योंकि भाई बंदा कहीं पर से भी निकल सकता है। और यहाँ पर से देखो तो भाई फाइट हो रहा है नीचे की साइड, तो भाई यहाँ पर से किल लेने का ट्राई करते हैं, बट भाई यहाँ पर से अब अकेला बंदा बचा है उधर की साइड। अब वो बंदा जैसे आएगा तो बंदे को मारे क्योंकि हम रश तो नहीं करने वाले बंदे पे। अब देखो यहाँ पर से बंदे का चड्डी कैसे फटने वाला है, मेरे पास यहाँ पर M24N1 है जिसमें भाई काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स है, ऊपर से लूट बॉक्स यहाँ पर, तो भाई बुलेट का तो कमी नहीं अपने पास। और अगर भागने का तो भाई यहाँ पर से भाई अपने पास गाड़ी भी है और यहाँ पर देखो बंदा जैसे आता है बंदे से काफ़ी और डैमेज देते हैं, आइरिस भी है, पोर्टल भी है, सब कुछ है अपने पास, बंदे को यहाँ पर एकदम फाड़ देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बंदे को डैमेज देते हैं और ये बंदे को यहाँ पर हेड भी लगेगा 75 का। और यहाँ पर से हेड लगने के बाद भाई मेरे बंदे काफ़ी ज़्यादा क्लूज आ गए लेकिन अभी भी बंदा नहीं मरा, भाई सब इमोर्टल बंदा है क्या। तो यहाँ पर काफ़ी बंदे को डैमेज देते हैं और यहाँ पर आगे फाइनली बंदे को फिनिश कर देते हैं 7 किल के साथ। ये वाला गेम कर लेते हैं बोया और इस वाले गेम के अंदर से कितना प्लस मिलता है तो वो भी देख लेते हैं। तो इस वाले गेम के अंदर से हम लोग को मिलता है 26 का प्लस और M24 में यहाँ पर 80 का प्लस। अब इस वाले गेम में भाई यहाँ पर से भाई टोटल 6 बंदे अलाइव रहते हैं, 2 किल किए हैं ठीक है भाई, पूरा मॉन्स्टर ट्रक वाला गेम है। तो भाई ये वाला गेम एकदम ध्यान से देखना ठीक है, तो गाड़ी लेके एकदम पूरा घूमे जा रहे हैं और यहाँ पर से सही टाइम पे हम लोग बंदा ढूंढेंगे बंदा किस साइड है। तो ये भाई ये 2 मॉन्स्टर ट्रक आपस में टकराती जिसमें से एक मॉन्स्टर ट्रक होती है वो हवा में उड़ जाती है। तो इस वाले बंदे का मॉन्स्टर ट्रक जल्दी से फोड़ते हैं M24N से क्योंकि हमको इस वाले बंदे को मारना है। तो यहाँ पर से मॉन्स्टर ट्रक जैसे ही फोड़ते हैं तो भाई यहाँ पर से राइट साइड में फाइट हो रहा था क्योंकि भाई वहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर से गाड़ी लगाएंगे साइड में और यहाँ पर से बंदे को मारने का ट्राई करेंगे। देखो बंदा तो नहीं दिखता लेकिन गाड़ी हम लोग जल्दी से फोड़ देते क्योंकि बंदा जोन से बाहर ना निकल पाए। और यहाँ पर सामने की साइड एक बंदा रहता है, यहाँ पर काफी डैमेज देते हैं और भाई ये बंदा यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक पर चढ़ता है, तो मॉन्स्टर ट्रक हम लोग जल्दी जल्दी फोड़ देते हैं क्योंकि भाई आगे चल के बंदा मेरे मुसीबत बन सकता है। तो हमको जल्दी जल्दी बंदे को स्टार्टिंग में फिनिश करना पड़ेगा और भाई फाइनली बंदे को मार के फिनिश कर देते हैं और गेम कर लेते हम लोग यहाँ पर से बोया। इस वाले गेम में ज़्यादा मेरा किल नहीं था तो भाई ज़्यादा प्लस का एक्सपेक्टेशन मत रखना, 20 का प्लस मिला और जो M24 है इसमें यहाँ पर 66 का प्लस मिला है। अब चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो गाइस ये हमारा आज का आखिरी गेम होने वाला है। तो यहाँ पर से भाई बंदा किस साइड रहता है हमको उसका लोकेशन तो नहीं पता लेकिन हम जैसे MP40 लेके जाते तो ये बंदा यहाँ पर से निकल जाएगा मेरे मुँह पे। तो ये देखो भाई मेरे मुँह पे आता बंदे को हेड मारने का ट्राई करता लेकिन हेड नहीं लगता ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग जैसे तैसे घूम घूम के बंदे को मारने का ट्राई करते हैं भाई यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा OP सा हेड लगता है बंदे को। और 9 किल के साथ ये वाला गेम कर लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से बोया और 27 का प्लस मिलता है इस वाले गेम के अंदर से और M24N में आपसे मिलता है 80 का प्लस। अब चलो वक्त आ चुका है हम लोग M24N का स्कोर देखने का। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं लॉबी के अंदर और यहाँ पर से हम लोग M24N का स्कोर हम लोग देख लेंगे हम लोग कितना प्लस अभी कर चुके हैं। तो अभी हम लोग कितने नंबर पर वो भी आपको हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर से हम लोग मुंगेर में टॉप 1 पे, बिहार में टॉप 11 पे और इंडिया में यहाँ पर से टॉप 82 नंबर पे हैं। और गाइस देख सकते हो भाई हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं वो भी अकेले खेल रहे ठीक है, मेरे आईडी से कोई दूसरा बंदा भी नहीं खेला, हमको वीडियो भी अकेले बनाना पड़ता है, थंबनेल भी बनाना पड़ता है ठीक है भाई, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो भाई हम लोग दुआ करेंगे अपना वीडियो वायरल हो जाए। तो भाई चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो लव यू भाई और अपना ख्याल रखना सभी लोग, बाय बाय।